नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलेंस हरी और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइफ 100 न्यूज। यूपी लाइफ 100 न्यूज में आज सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइफ 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खासकर उत्तर प्रदेश के बहरेज से अचानक घर में रिजर इस टाइम आग लेने से मचा कोहराम। मामला उत्तर प्रदेश के बहरेज जिले के ननपा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत विश्वनाथ गांव का है। यासीन सरफ सुल्तान खान के घर में अचानक आग लगने से काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के द्वारा मदद की आग को काबू किया गया। तब तक गरीब के घर में राख अचानक चरपाई रह जाई, गद्दा सब जलकर राख हो चुका था। जिब्राइल खान की रिपोर्ट। जेल में आज भैया दूज के मौके पर काफी संख्या में बहनें अपने भाई को जो जिला जेल के अंदर बंद है उनको तिलक करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन यहां पर जहां का कंप्यूटर स्लो हो जाने के कारण यहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। यहां पर लोगों के बैठने तक की यहां सुविधा नहीं है। यहां धूप में टीन सेट भी नहीं पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइन लगने की वजह से तिलक करने आने वाली महिला और बहनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन पर बैठे हुए यहाँ पर जो बहनें हैं जमीन पर बैठने को मजबूर है। यहाँ पर ना तो बेंच है, ना किसी प्रकार की सुविधा का यहाँ साधन है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले आज के दिन बहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन के साथ जिला जेल के अंदर यहाँ काफ़ी भीड़ भी है, और यहाँ पर कंप्यूटर जो पर्ची काटने के लिए लगाया गया है वो भी स्लो होने के कारण यहाँ पर बहनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लाइन होने की वजह से यहाँ पर लोगों को अपना इंतज़ार आने के लिए काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद ही इनका नंबर आ पाएगा और अपने भाई जो हैं अपनी बहन से तिलक करा पाएंगे जो कि जिला जेल में बंद है। लेकिन इस सब को देखते हुए जिला जेल प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि भैया दूज के मौके पर किसी प्रकार की खास सुविधा का यहां पर इंतजाम जेल प्रशासन नहीं किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।